नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विथ रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, ये दो टाइप के हमने वहां पे देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट तो होगा लेकिन रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, रिटर्न होगा आपका वन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस हैव आर्गुमेंट, हेंस कॉलिंग फंक्शन कैन सेंड डेटा टू कॉल्ड फंक्शंस बट कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो फंक्शन जो कॉलिंग टाइम फंक्शन को वैल्यू सेंड तो होगा लेकिन वहां से वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा, फाइनली कोई कैलकुलेटर को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिक्लेयर होता है फंक्शन। यहाँ देखिए वायर्ड या फ्यूएंसी फंक्शन नेम है, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे वायर्ड लिखा है मतलब रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, नल नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर इंटीजर दो बार लिखा है, मतलब दो यहाँ पे आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट एज ए यहाँ पे वैल्यू पास होगा और दोनों किस टाइप होंगे, इंटीजर टाइप होंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन से मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं ए और बी। तो यही ए और बी वैल्यू जब हम फंक्शन डिफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी इसके पास और वाई बी की वैल्यू आ जाएगी वाई के पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा x और y की वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेकिन कोई रिटर्न नहीं करेगा, मतलब यहाँ से कोई रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन के पास मेन की पेमेंट की बॉडी में नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है ये एरिया ऑफ स्क्वायर का है फंक्शन के थ्रू कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिए, स्क्वायर में कोई भी एक साइड अगर हम इनपुट दे दें आपको तो आप जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर निकाल के, साइड का स्क्वायर निकाल के आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया वायर्ड, मतलब रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं है, एरिया नाम का हमने फंक्शन बना लिया, इंटीजर साइड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल है जो इनपुट लेंगे, मतलब एक आर्गुमेंट है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और फंक्शन कॉलिंग करते टाइम यहाँ पे वैल्यू कुछ पास होगा साइड के पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन फंक्शंस में आते हैं। मेन फंक्शन हमने लिया इंटीजर साइड, साइड नाम का हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया मेन के अंदर, ये डिफरेंट भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइड लिया तो यहाँ पे कुछ और एक्स वाई जेड ले सकते हैं या सेम भी ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रिंट अप इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे मैसेज आएगा, हम प्रिंट इनपुट देंगे, जो वैल्यू इनपुट देंगे वो साइड के पास स्टोर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने एंट्री किया 8, जब 8 वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो साइड के पास आ जाएगा 8। और अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, मतलब एरिया साइड, एरिया फंक्शन कहाँ, यहाँ पे है, इसको कॉल करेगा, साइड की वैल्यू कितनी थी 8, वही 8 वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी इस साइड के पास। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 8, अब वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटीजर एरिया हमने वेरिएबल ले लिया लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के लिए और कैलकुलेट किया एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, टोटल वैल्यू कितनी है 64, और इसी को प्रिंट कर दिया हमने तो 64 प्रिंट कर देगा। ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे वायर्ड लिखा हुआ है इसलिए यहाँ कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगा इस कॉलिंग, जब यहाँ फंक्शन को कॉल किया जा रहा था देन, अगर यहाँ पे वायर्ड के अलावा कोई भी डेटा टाइप्स होता तो वैल्यू क्या करता, रिटर्न करता। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप है जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम इसी पे बेस पे मैक्सिमम प्रॉब्लम जो फंक्शंस के होते हैं वो आते हैं एग्जाम में और करने भी पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे है फंक्शंस विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे दोनों चीज होगा, मतलब फंक्शंस के आर्गुमेंट भी होंगे और रिटर्न टाइप भी कुछ न कुछ होगा। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंटेक्स क्या करा, इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शंस नेम हो गया, यहाँ पे आर्गुमेंट भी हो गया, मतलब दोनों चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे मेन के अंदर तो जो वैल्यू है ए और बी की ये एक्चुअल आर्गुमेंट एज ए फॉर्मल आर्गुमेंट पास एक्स और वाई के पास पहुंच जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू होगी ये कैलकुलेट होके यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ये टोटल वैल्यू रिटर्न करेगा किसके पास, टोटल वैल्यू रिटर्न करेगा इस फंक्शन के पास। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ
वो रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो भी आप एक्सप्रेशन होगा वो रिटर्न कर देगा इस यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न की यही मीनिंग है। ठीक है, इसके पहले अगर रिटर्न यहाँ नहीं लिखा तो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रोग्राम का। एग्जाम्पल है सम ऑफ डिजिट का, कि कोई हम एक नंबर इनपुट लेंगे उसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए देखिए फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं हम प्रोग्राम। हमने क्या लिया, एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया इंटीजर, सम नाम का हमने ले लिया फंक्शन नेम, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम पास कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यंग नाम का, वो इंटीजर टाइप वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब देखिए इंटीजर वायड मेन में आया, मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया नम नाम का वेरिएबल, इनपुट लिया हमने, इनपुट नम के पास स्टोर करा दिया। ठीक है, सपोज इनपुट हमने ले लिया यहाँ पे 235, तो 235 किसके पास आ जाएगा, नम के पास स्टोर हो गया। ठीक है, प्रिंट अप, अब हम प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट इक्वल टू परसेंट डी और सम नम वैल्यू पास करते हुए, नम की वैल्यू पास करते हुए सम फंक्शंस को कॉल कर लिया। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस फंक्शंस की रिटर्न वैल्यू, इस टोटल जो फंक्शन रिटर्न करेगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अब देखिए ये नम नाम का जो वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू पास हो रहा है सम नाम का, अब ये फंक्शन सम नाम के फंक्शन के पास जाएगा और ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसके पास, इस एन के पास। एन के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, एन के पास आ जाएगी 235। ठीक है, ये फंक्शन का डिफिनेशन है, और फंक्शन डिफिनेशन में यहां से लेके यहां तक काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर एक आई वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल टू 0 ले लिया, रिमाइंडर ले लिया। सिंपली सम ऑफ डिजिट निकालने का प्रोग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था यूनिट 2 के टाइम पे, तो वहां से आप देख सकते हैं सिमिलर हमने व्हाइल लूप से प्रोग्राम बना लिया था। इस प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे 235 हम ले रहे हैं एन की वैल्यू, तो देखेंगे व्हाइल लूप में क्या है, कंडीशन 2 है, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 235, रिमाइंडर माइनस 10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। सम की वैल्यू कितनी जाएगी, सम की ओल्ड वैल्यू कितनी, 0 इनिशियल वैल्यू और रिमाइंडर, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 5, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। एन की वैल्यू हो जाएगी 23, 235 डिवाइड बाय 10 करेंगे 23 हो जाएगा। अगेन 23 यहां पर व्हाइल कंडीशन में आएगा, कंडीशन मिलेगा 2, रिमाइंडर फिर से निकालेंगे तो न्यू रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू प्लस रिमाइंडर, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हो जाएगी 2। फिर से जब यहाँ पे आएगा कंडीशन व्हाइल कंडीशन पे यहाँ से, तो वहां पे कंडीशन 2 होगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे इस केस में 2, और यहाँ पे सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि ओल्ड सम की ओल्ड वैल्यू प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू सम की वैल्यू कितनी हो रही है 10 यहाँ पे। अगेन जब 0 के साथ यहाँ व्हाइल कंडीशन पे आएगा तो कंडीशन हो जाएगा फेल, कंडीशन फेल होते ही इस लूप से बाहर, और रिटर्न क्या करेगा, देखिए रिटर्न कर रहा सम की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी है 10, यही 10 वैल्यू रिटर्न करेगा इस सम के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 करेगा, आउटपुट आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो होप से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।